प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो पर स्ट्राइक, यूट्यूब की न्यू अपडेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब की न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आई है प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो पर स्ट्राइक को लेकर। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब की अपडेट पर अपडेट आ रही है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब की न्यू अपडेट के बारे में, जो कि बेसिकली आई है प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो की स्ट्राइक को लेकर। तो यहाँ पर बेसिकली सीन ये है, अगर हमें किसी वीडियो पर पहले डाउट होता था कि यार इस वीडियो पे हमें स्ट्राइक वगैरह मिल सकते हैं, तो उस वीडियो को हम प्राइवेट वगैरह कर देते थे, अनलिस्टेड वगैरह कर देते थे, और वो जो वीडियो है वो यूट्यूब की नज़रों से ओझल हो जाती थी, मतलब कि यूट्यूब वाले उस पर स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस अपडेट के बाद जो हमने वीडियोज़ प्राइवेट की हुई हैं या अनलिस्टेड की हुई हैं, उन वीडियोज़ पर भी यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है यूट्यूब की तरफ से कि अब जो प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद होंगे, यूट्यूब अब उन पर भी स्ट्राइक दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर कोई ऐसी वीडियो है जिस पर आपको डाउट हो कि हाँ यार इस पर मुझे स्ट्राइक वगैरह मिल सकती है, और आपने वो प्राइवेट की हुई है, तो आप उसे डिलीट कर दें चैनल से, या अनलिस्टेड है तो भी उसे डिलीट कर दें। और अगर आपके चैनल पर ऐसी कोई वीडियो मौजूद है जिस पर आपको टेंशन है कि हाँ भाई इस पे स्ट्राइक आ सकते हैं मे बी, तो आप उसे डिलीट वगैरह कर दें, प्राइवेट और अनलिस्टेड वगैरह ना करें। जैसे कि हम पहले, अगर हमें किसी वीडियो पर शक वगैरह होता था तो हम वो वीडियो प्राइवेट या अनलिस्टेड कर देते थे, लेकिन अब प्राइवेट और अनलिस्टेड करने का भी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, उन पर भी स्ट्राइक आ सकती है। सो आप लोग डायरेक्ट वीडियो को डिलीट ही कर दें। तो अवसर दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया होगा यूट्यूब की न्यू अपडेट के बारे में, जो कि बेसिकली आई है प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो को स्ट्राइक को लेकर। तो अवसर दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें, और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ जो घंटी का निशान है उसे भी दबा लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।